आज मैं आपको आर्ट थेरेपी में भी एक सिंपल हैक बनाती हूँ। अगर आपके पास मनी इश्यूज हैं और आपको समझ में नहीं आ रही है कि भाई अब क्या करें, आपने विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, साथ में बैच फ्लावर भी ले रहे हैं, तो एक ट्राई ये भी कीजिए। जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक ऑफ मनी, ठीक है? जस्ट व्हेन यू थिंक ऑफ मनी, आप उस एनर्जी को इन्वोक कर रहे हैं। अब मेरे साथ साथ आप ड्रॉ कीजिए। तो सिंपल तरीका है, जस्ट इमेजिन यू थिंक ऑफ मनी कि भाई मैं मनी मुझे चाहिए, और आप मनी ऐसे जैसे ना एक स्टैश बना लें, और कोशिश करें पेंसिल से बनाने की, क्योंकि पेंसिल जो होता है ना वो हमारे मर्करी और सैटर्न को बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो जितना पेंसिल यूज़ करेंगे ना उतना आपके लिए लाइफ में बहुत अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है। अब मैं इसको ना स्टैश बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी कैमरा में ही देख रही हूँ इस वक्त, मैं अपनी ड्राइंग खुद ही नहीं देख पा रही हूँ। तो व्हेन यू आर ड्राइंग मनी, जस्ट थिंक आई एम रिसीविंग स्टैश ऑफ मनी। बहुत स्टूपिड आइडिया लग रहा है ना आपको, बट वंस यू विल ट्राई यू विल सी हाउ इट वर्क्स। ये मैंने स्टैश बना दिया है इसको, आई एम अट्रैक्टिंग स्टैश ऑफ मनी, या फिर आप जो भी कि इतना मनी उतना मनी, 10,000 रुपीज, एंड मनी इज कमिंग टू मी ईजीली एंड इफेक्टिवली। Money has its own way to come to me easily and effectively. ठीक है, जब आप ये बोलते रहें और साथ में मनी ड्रॉ करते रहें, आपकी मर्जी है आप वो इंडियन रुपी वाला र लिखना चाहें या डॉलर लिखना चाहें, वॉट एवर। ऐसे कर लेते हैं 100 या 10 भी काफ़ी है। तो ये स्टैश बना दिया हमने कि हमारे पास पैसा आ रहा है। आपने सिर्फ ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है कि मेरे पास पैसा आ रहा है, और बनाते जब तक आपका मन करे तब तक बनाएं। जब आपका मन करे कि भाई नहीं बनाना अभी तो फिर छोड़ दें। और क्या होता क्या है कि भाई ये जो आप है ना, मैंने लाइंस का शायद एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखें कि इसका फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, लाइंस बनाने का। और कहीं आप सबकॉन्शियसली अब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मनी कम्स टू मी ईजिली एंड एफर्टलेसली, आई एम अट्रैक्टिंग मनी इन माई लाइफ, मनी कम्स टू मी ईजिली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, ट्राई करके देखिए रेमेडी, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर मैंशन कीजिएगा अगर ये हेल्प करे आपको। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।